शांति पलवन भाई यार, जराई डराई के बजड़ा बोई के और यही बीचे बर्धा बीमार पड़ गया। बर्धा बीमार पड़ गया? हाँ यार। कैसे रे? ओके सारे जैसे लगा सौरिया बुखार हुई छोड़ा ही जानत है। अरे तो के डॉक्टर से दिखवा दे ने। फोन करवाऊले रानी लेकिन डॉक्टर अभी नहीं बन कहीं ना आयल हो। आज बयान कैले हो। कुछ पुरानिया मन ही बताऊ ने की तनी बरियर यल हवन और सुलगा धुआं देखा दे। हाँ। लेकिन कौन फर्क ना पड़ा। ई वाला जल्दी फायदा करी। हाँ सही कहली। अरे चितरू कहते कुछ ना बोला थे रे और आरिया बार बार का लख थे कौनी दुनिया में खोले। अरे बंगला देखत है? हाँ बस कुछ है दिन का बात यूर है ई का जैसे 10 गुना बड़ा हमार बंगला रही। एक कोठरी से दूसरे कोठरी तक का जाए खातिर कार रही। 10-10 ठे नौकर चाचा ठे मेहरारू रही है और 10 अंगुरी घी में बुड़ल रही। बस कुछ है दिन का बात है। पागल हो गया लगता है इतना पैसा लाई कहाँ से? हे बाबू अजुन इतना बड़ा बंगला सपना देखा था न। बंगला तो मिली ना लेकिन जो दूठ मड़ैया है ना वो उजर जाई। दहलन चूतियन वाली बात। अरे सपना ना हकीकत है। कहें कि अब तेरा भाई चेयरमैन बनेगा। ये का होला बे? आई देखा ससुर अनपढ़ गवार जाहिल के अबे ने चेयरमैन ना पता। अरे अंग्रेजी में बोले तो हमारे सिख चुनाव लड़ब और जीत के चेयरमैन बनब। अरे पागल ओके चेयरमैन ना कहन ओके चेयरमैन कहन। देखा भैया का बोले थे समझाव तो सही कहत है। सर बोले ढंग ना चेयरमैन बनिए बाग सारे ऐसे। आ बेटा डांट लाज हम बयान हमसे मिला खातिर तरसबा पाद बरोबर ना तोलन के जोरब हम हो फॉर्च्यूनर से चलब झाड़ी के ना यही देखबा किनार बोलुआ। आज एकर अगर सपोर्ट ना करब बिहान की सही चेयरमैन बन गेल तो हमें पूछबो ना करी। हाँ बाबा सही काले तलाड़ हम खुल के सपोर्ट करब जम के प्रचार कैल जाई। तही तक हमार दोस्त है बाकी कुल सारे हमार दुश्मन हम है सारा तकबा गिर गिर नहीं चले बोलुआ ने पूरा जोर शोर से प्रचार कैल जाए। चल हमने चलल जाए। अच्छा चल ठीक है चितरू भाई नाराज मत हो हम लोग तो प्रचार करत है। चल उठ हम आओ तो और प्रचार करब। चला चला वही बात पे बोला चितरू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा चेयरमैन कैसा हो? चितरू भैया जैसा हो। हमारा चेयरमैन कैसा हो? चितरू भैया जैसा हो। चितरू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 हम सबका चेयरमैन कैसा हो? चितरू भैया जैसा हो। हम सब ने उठाना है चितरू भैया को चेयरमैन बनाना है। ये सारे मोरे लेके बाग लेके कैसे कुल नारा लगाओ थे मैं चितरुआ पगला उगला गया लड़का राजा सारा हुआ बताओ थी हम तुम्हारे का। चितरु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वादा नहीं विकास करेंगे चितरु सबका नाश करेंगे। कुछ गलत कहली का? गलत ना तो 100% गलत कहली। का गलत कहली? अरे सारे ते अब ऐसे बोले थे तो कोटवा की दी तय देबे हन ने दिया और की दी सारा अपन नाश कराओ खन तो के ओट दई तय ना देबे तो का भेल टेढ़िया दे हम करे टढ़िया तेना देवे मैं अब इन मैं देवही लायक ना हूँ। हाँ तोर उम्र कमजोर है ना एक काम कर अपने भौजी से दिया दी है। चल सारे पहले नारा लगा वोट लिए बाद में चल पहले चल दिया दी है। हाँ चल दिया दे चल चितरू भैया जिंदाबाद। ये कौन तमाशा लगा ले रे? कौन तमाशा? तमाशा नाथ का है तो के छेड़ी चलाओ काले राजी ने बंद करी कुल तमाशा तू छेड़ी चलाओ जो जो। सुना बाबू चितरू छेड़ी या गोरू चलावा खातिर ना पैदा भेल हमें दुनिया चलावा खातिर पैदा भेल हमें शासन प्रशासन समझिए समझला ना बेटवा तोहार अब चेयरमैन बनी चेयरमैन है जितनी मड़ाई सड़ाई लौक थी ना सबको जला के महल खड़ा करेगा सारा खाए दखाओ नहाए तर के चल अब चेयरमैन बना और तो आलो ना हमारे लड़का बिगाड़ धा दे सारा लोगन भगा को से भगा चला भगा से। देखा भाई चितरू फैसला आड़ी गए हमारे अब फाइनल है चुनाव तो चितरू लड़ी है जरूर और जहिया चुनाव चितरू जीत गई ना तहिया भुला जाब कि विदोरन हमारे बाप हमें बाप का हक खो देब ये विदोरन। तो सारे अब्बा हड़कावत है। अरे तरिसियात कहाँ है हमारे काले का मतलब ये है चुनाव उनाव लड़ने में बड़ी रुपया लगेले अपने घर 1 रुपया है ना कैसे चुनाव लड़ बेते। अरे तो बाबू तू टेंशन कहाँ ले ला हो चितरू नाम हमारे है ससुरारी फुलौरी खाए थोड़ी न गल ला लिए अबत की दाई ना ससुरारिया से अपने अम्मा का हंसुलिया मांग टिकवा झोरवा भाल ला ले रही है कुल दहेज के कसर निकाल ला ले रही है पूरा चुनाव बंदोबस्त हो गया है बस खाली तू अपनी लड़का का आशीर्वाद दादा कपड़ा फतवा रख के खाली इतना कह दा कि विजयी भव। सब बास बेटा विजयी भव जा लाल झंडा गाड़ के यहाँ झंडा गाड़ के यहाँ और का कह दहना चूतियन वाली बात झंडा झंडी जाए तू ही गाड़ा गड़ावा चितरू जा तू कुर्ता पजामा पहिर के अपन प्रचार करिए कि सही कहले फॉलो मी। चितरू भैया जिंदाबाद हमारा चेयरमैन कैसा हो? चितरू भैया जैसा हो। चितरू भैया।
अरे जीते खातिर ने अरे बड़ी मेहनत कई हो। अरे भाई हम जानत थी हो यहां तक ना दिन रात एक कह दे लन। हां जान दो भैया जेकर ना गोड़ छुए को हो गोड़ छुए नहीं हो खाली जीता लेक नाते तू। अरे भाई देखा तो हाल उनकी मेहनत में रंग लाई ली है तब संजय ये डढ़या जन ढीले है कहले रहा है लेकिन ठीक ही हो है। एकर भौजी बगली आए गिल लाल भौजी अपने भौजी दिए उले ना है वो तो आती बगली आए गिल लाल चल ठीक दिए उले तब तो ठीक है लेकिन कि धर्म क्या है कि ना है क्यों हो ओ क्या हो का हो चिथरू चिथरू ये तो बेइज्जती करा दिए हो हमार। अरे चिथरू नहीं चिथरू चेयरमैन साहब कहो। चेयरमैन ना हो गए हम। ठीक है चेयरमैन साहब बतावे कैसे आईने हैं आप। अरे कैसे आए हैं मतलब चेयरमैन की कुछ इज्जत नहीं यार। अरे कुर्सी उर्सी निकालो यार बैठा जाए यार चेयरमैन हो गए हैं। ठीक भैया जी लावत है बैठा लाइए थोड़ा पानी वानी लाइए बिसलरी का। हाँ और का फिल्टर का पानी लाइए। सुनिए चीनी मत लाइएगा पेड़ा लाइएगा भैया चेयरमैन हो गए हैं पेड़ा खा के पानी पियेंगे। भैया पेड़ा तो ना है तब हम पानिया नहीं पियेंगे। छोड़िए पानिया मत आप अपना समस्या बताइए पानी नहीं पियेंगे कोई समस्या है आपको? पानिया पी लेते। नो नो पानी नहीं पियेंगे समस्या बताइए क्या है। समस्या तो बहुत है भैया चल के देखा जाए हम लोग। चल के देखा भैया चला चला चलो हम लोग गांव में देख लेते क्या क्या समस्या है उसके बाद फिर विकास किया जाएगा। ठीक है साहब चला चलो भैया दिखाओ। देखा आप चिथरू चेयरमैन तो बनी गेल हुआ जी अपने गाँव विनाश है विनाश करी विनाश ना विकास होला। हाँ हाँ विकास 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 कर एकदम जान गेली हम। तुहार समस्या कब देखे साहब ये खंजर टूट गया है हम तो सोचा थी आरसीसी करवाए थे। मर्द पागल हो गया का है आरसीसी कराओ का तुम क्या मतलब है खड़ंजा उड़ंजा बताओ। कमालू भाई बिहान ही खड़ंजा उखड़ जाए चाहिए उखड़िए साहब तुम्हारे जिम्मे काम है। बिल्कुल लिख ले लिया बेबी। आखिर बताए मैं का मतलब बताओ खड़ंजा के कुछ कहाँ है प्रधानमंत्री गाड़ी अवत है कहाँ हवाई जहाज उड़े थी बताओ कहाँ हेलीकॉप्टर जाते हैं। अगर इतने जमीनिया में आलू बोता धनिया बोता लहसुन बोता प्याज बोता पूरा परिवार खाद पूरा परिवार हंसी खुशी से गलत कहते हैं भैया। सही बतिया है लेकिन अगर तुम पैदल जाकर तुम पैदल हो जब मेडियो चल जाएगा सही है गलत कहा थी ना 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 सही तो बिहानी खड़ंजा उखड़ जाए तुम्हारे जिम्मे काम है। नरियो खुरवा दे नरियो खुरवा दे लड़का वैसा गिर जाना में और इटवा जोन बची ने अपने घरे ले ले ना इटवा मेरे दोरो गंजवा दिया। हां ठीक तुम्हारे द्वारा चला चला बाकी खुश हवन है। हां खुश हो ले वन चला और आगे समस्या कहां बतावा चला तुम्हें घर हूं जाकर आला। हां घर हूं जाकर आला तो जा तू अपने घरे जा चला ठीक है हमने जा देख ले ठीक है देख लिए भुलाई है जी। ठीक देखा एक काम तो हो ही गया ठीक है रुका भाई मड़ई के कर हो बड़ी गजब लगती है। हाँ चेयरमैन भैया मड़ैया उनका है ये कर है ऋषिक बाऊक है। अच्छा तो ऋषिक बाऊक का टेंशन नहीं लेना है भोलू। हाँ चेयरमैन भैया तो हरे जिम्मे है मड़ई की रिपेयरिंग कर दा ठीक है अगर देखा को बांस उस टूटल है तो की एकदम से तोड़ी दा लेकिन रिपेयरिंग हो चाहिए। ठीक 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 अब चला ठीक लगे देख ले गर्मी बैठा कान दी ना ये कहा है साहब। हाँ भाई दीवाल वाल मरदबा कहता बिना मतलब काया करो दीवाल वाल जोड़ बोले हमारे यहाँ टाटी उटी बांध के काम चलाओ चाहिए झूठे जमीन छकौले है। बिल्कुल छकौले मरदबा और पैसों भी खर्च भेल साहब देख लगे हट जाती हो खटवा दी। हाँ तोड़वा दे हाँ नहीं जैसे भी इसमें मत लगवा नहीं तो रोट बोन दी। वैसे चिथरू भैया की बात कही कहा बोला तो अरे ऊपर कपड़ा बड़ा निकल अरे जितना लड़का स्कूल में पढ़त है बिहान से कुल लड़का अस्पताल में पढ़ी है। अस्पताल में पढ़ी है अच्छा तू बतावा जब लड़का अस्पताल में पैदा हो सके ना तो अस्पताल में पढ़ी का ना सके ना सत्य सत्य है ना सत्य है। पूछता है तरौलिया आजमगढ़ और पूछता है पूरा उत्तर प्रदेश तब हे साहब का घाम लगे तब तक कहीं छाए बैठ के बतियावल जाता आराम से चला चला चला, चला भैया अरे मतबा का बात कैला तुहरा लोगन से तो हम है से पढ़ के कुछ है कहो। हाँ चेयरमैन भैया भाई केहू पता रहा का हो चिथरू चेयरमैन मत हुए। अरे साहब जब से तू चेयरमैन बनना ने हर घर चार कुर्सी रखल जाती है जब। अच्छा हाँ बैठा तो बैठा प्यार से अब सारी समस्या यही सुनाई जाए और समस्याओं का निदान यही सोचा जाए। बिल्कुल तो बात सही है तो हम ये कहत रही है आदेश और आयल है कि जितना खंभा पर का तार लौकत हुए ना सब पे कपड़ा कचार के ओपे सुखावल जाई ओपे तो नंबर एक के कपड़ा सूखी साहब यही ना तत कहा थे। हाँ सत्य है पाँच मिनट में कुल सूखी जाए गलत कहा थी हम। और चेयरमैन भैया की बात बताई तनी हम ना उनकी अब देखा जान तो ओहो घबराला कहे तो हनी हम है ना
अरे कहा थी साहब हमनोन के विकास होई कुछ? बिल्कुल होई विकास। कैसे होई? ओहो कैसे विकास होला? ए बाबू टेढ़ाई जा तनी कोको कोला लवा मरदा तनी गर्मी है गटाई सूख जाती जा जा भैया जी खातिर कोको कोला लवा। तुहरे दादा कबो पीले रहना कोको कोला। अरे तो सारी बेइज्जती करा दी हो हमार। ए जो पहले कोको कोला ला अब बहुत मारा। भाग ऐसे सारे जुबान लड़ा थे भाग। ठीक है साहब जाते लेके बता। हां जो जल्दी लेके आओ। मैंने बता चेयरमैन से तक बतियाओ था तो हां से मतलब आपसे हम कहानी ना कि कर भौजी देल ना होई ना देले होई कर हां ई सार खुद ना देले ई खुद ना देले होई। मैंने बतावा चेयरमैन से तक बतियाओ था वो तो भैया तू छोटू अपने भौजी से देव लेला कि ना। हां भैया अपने हम दोनों भौजी से देव ले रहे हैं। तब ठीक है तब। अच्छा लड़का है तब ठीक है। और सुना एक आदेश और है। जी भैया ऊपर से आदेश आया है कि जतनी है शादी होत है ना। अच्छा अभी कुल संविदा होई। संविदा पे 3-4 साल तक मेहरारू रही ओकरे बाद जे रड़ुआ घुमत है वो मेहरारू ओकर हो जाई। अच्छा हां तब तो ठीक है। निकलने में भैया जब से भैया तू चेयरमैन बना लवा ना तब से तोहार रुतबा बढ़ गेल हो। ओ ले काहे ना हो तोहरे अंदर इतना पावर हो गेली है कि पूछा मत। का भेल तोहरे बिना आदेश के पुलिस आ ही ना सकत हो गांव में कदम ना रख सकत। अच्छा ये बात है। हाँ। अरे भैया और तो और जानते हैं चौराहा और गैले के बाद सलामी ठोकन लो। हाँ इतनी पावर मेरे अंदर आ गई खबर है बिना आदेश के गांव में पुलिस घुसी ना सके ना बोले भैया। अरे मर्दबा कितना बड़ा हो चेयरमैन के पद होला और जानत हवा कुल तो कुल गड़िया वाले कहने ने बैठा ले चिथरू गांव के है। अच्छा संगे रहे ने कुल आप जना का थी सलामी ठोकन देख ले के बाद खाली संगा रह लिख नाते हाय कैसन दौरत होत हो डढ़या कैसन हाफट टपत होत हो। ए साहब ए साहब गांव में पुलिस आई ली जल्दी चला। का गांव में पुलिस आई ली है। पुलिस आई ली है। हां हमसे बिना पूछ ले सही देख ले पुलिस ये। हां पुलिस आई ली जल्दी चला। इतनी हिम्मत की हमसे बिना पूछ ले मेरे गांव पुलिस आई जाए। हां जल्दी साहब हमने तो घोर बेइज्जती हमारी है। अरे बहुत बड़ी बेइज्जती है। अरे साहब साहब देखा जाता अब्बा अन्ना बताओ कैसे मेरे गांव में तो आप लोग आपस में कहां लड़ रहे हैं? थोड़ा सा आप जमीन दे दीजिए थोड़ा सा वो दे देंगे रास्ता निकल जाएगा। अरे हम तो दे रहे हैं अब अगला दे तब ना। क्यों से पूछ के आइला हो? क्या हुआ है? तुम्हें ना पता है चिथरू चेयरमैन का इलाका है? तो उससे हमको क्या? हम अपना काम कर रहे हैं। अरे भैया परमिशन का क्या नॉल तू कैसे आलवा? ये लोग कौन है? चेला इनकर चिन्हता ना हम मई यहाँ आने से पहले इनका परमिशन लेना पड़ता है गांव में। कौन है इनका हम परमिशन ले? चेयरमैन भैया जी हैं। चेयरमैन होंगे तो अपने घर के होंगे हम अपना काम कर रहे हैं। कोई घर का चेयरमैन बनता है बतिया रहे हैं आप? हाँ घर का चेयरमैन कोई होता है? ये फालतू बोल रहा है अभी पा देगा दो तीन दमाचा। अभी 20 जूता निकाल के मारेगा ना गलवा लाल हो जाएगा दिमाग हैंग हो जाएगा क्या समझे चितरू चेयरमैन को? कैसे बोल रहे हो? हाँ कैसे बोल रहे हो? तुम किससे पूछ कर आए हमारे गाँव में बताओ? कैसे बोल रहे हो तुम? चेयरमैन हो तुम अपने घर के हो अपने गांव के हो हमको सरकारी आदमी को क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ साहब गलती हो गई और नहीं कहना साहब तुम्हारी बिना परमिशन के पुलिस ना आ सके गांव में। हम फॉर्म में आ गए पूरा रंगा बांध दे पूरा। तुम भी सरकारी नौकर हो हम भी सरकारी नौकर है हम अपना काम कर रहे हैं तुम अपना काम करो कैसे बोल रहे हो? बोलोगे? आप गलती हो गई अपना गलती होगा कैसे बोल रहे थे अभी तुमको थाने में लेकर के अच्छे से लेंगे तुम्हारी। चलो का ले बा खोज खबर बहुत छोट साहब का करे जवा उल्टा सीधा बात कर रहे हैं ये लगा के बने हीरो। हाँ साहब गलती हो गई अब ना करो साहब मैं छोड़ बड़ी बेइज्जती वही साहब चेयरमैन नया चेयरमैन बना ले। हाँ तो करोगे ऐसा? ना एकदम ना करो। किसी सरकारी आदमी से ऐसी बात करोगे? ना क्यों सुना करो क्यों सुना। चल पैर छू के माफी मांग तुम्हारी यही औकात है और दोबारा चेयरमैन बने हो इसीलिए छोड़ रहे हैं हम चिथरुए। ठीक है सर उनका झगड़वा ना फरियाबा ना सर दोबारा दिख मत जाना इधर। चेयरमैनवा तो चश्मा बहुत रंगदार लिया है और दरोगा जी से रंगदारी मत करना। और तुम कहीं भगे थे बे? अरे साहब हम तो कहीं अमोक मार दिए अब तुमको कहीं मारेंगे। सुनो तुम मेरे साथ थाने पे चलो। ठीक चलो